में ऐसा भी होता है कि कई बार अनएक्सपेक्टेड तरीके से छोटे छोटे इनको खड्ड बोलते हैं यहाँ, उनमें भी अचानक से या तो बादल फटता है और ज़्यादा पानी आ जाता है। तो ये भी इस सालरा वाली रोड पे खड्ड इसी बरसात में आया है और ये पूरे पत्थर मलबा पूरा बह के आ जाता है ऊपर से, और इस तरीके से थोड़ा डैमेज सड़क को भी हुआ है। और नीचे यहाँ कोई आबादी नहीं है, बस्ती नहीं है, तो ये सामने भी किसी टाइम सामने वाला भी खड़ ऐसे ही आया है। तो इस तरीके से ये चलता रहता है यहाँ पे। और कई कई खड़ तो ऐसे हैं जो कि कई साल बाद आते हैं, तो फिर लोगों को आइडिया नहीं होता कि भाई ये आने वाला होगा। तो वो सपोज ये अपनी प्लेन सी जगह देख के अपना इधर उधर साइड में कुछ बना लेंगे, कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, लेकिन यू कैन नॉट बी श्योर कि कौन सी बरसात में और कब कोई खड़ आ जाए। तो यहाँ पे ये सावधानी रखनी पड़ती है। मोरी से करीब 5.5 किलोमीटर की दूरी पे ये गांव है जी बदाऊं, और यहीं हमारा एक प्राइमरी स्कूल भी है, लेकिन बहुत कम बच्चे हैं, और नदी है और शायद काफ़ी पानी आया है कभी इसमें भयंकर, तो जिससे ये जो है क्षतिग्रस्त हुआ है। रास्ता रहा होगा सड़क वहाँ तक जाने का, या पैदल पुल लग रहा है, वैसे तो ये पैदल मार्ग का पुल रहा होगा। तो डैमेज है आज की डेट में। तो आजकल पहाड़ों में जगह जगह इस तरीके के ढेर दिखाई देंगे। ये है जी घास जो कि बड़ी मेहनत से पहाड़ों पे इधर उधर से जाके काटते हैं महिलाएं ज़्यादातर, और फिर इसको इस तरीके से थोड़ा सड़क पे फैलाया जाता है 1-2 दिन ताकि ये सूख जाए, और फिर इसके इस तरीके से स्टोर कर दिया जाता है। और ये जो घास है यही सर्दियों में फिर मवेशियों के चारे के काम आता है। ये देखो यही किस तरीके से इसको बांध के सुखा के और फिर इसको स्टोर किया जाता है यहाँ। तो आजकल पूरा एक मिशन मोड पे ये काम चलता है घास काटने के लिए। बकायदा जिनके पास अपनी मैन पावर नहीं है वो मजदूर करते हैं, मवेशी रखते हैं, और गांव-गांव में ये प्रक्रिया जो है युद्ध स्तर पे जारी है घास काटने की। और जो धान कटा है अभी वो भी पशुओं के चारे के लिए काम आ जाता है। अब खुश रहो। कौन सी क्लास में आ गए? 3 में, यही अपने स्कूल में। अच्छा ये बताओ जरा यार, ये क्या रखा हुआ है? ये घास तो ये बांध, इसको रस्सी बना दी इसकी घास की, क्यों बाद में खोल देते इसको? तो इसको बांधा कैसे, तुमने सीख रखा बांधना इसको? बांध देते हैं, इधर तो आओ, बांधने का क्या फायदा इसको? तब ये वो सड़ नहीं जाती, सड़ जाता ना तब घास सड़ नहीं, अगर नहीं बांधेंगे तो सड़ जाएगा। अच्छा पक्का? और कहाँ से लाए काट के इसको? तुम भी गए थे? अच्छा तुम्हें नहीं जाना पड़ता, ठीक है। और ये कब फिर कब तक काम आएगा? आएगा 2 महीने। 2 महीने फिर खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद फिर खेत में से तब इनको बैल घुमाएंगे ना, हाँ, फिर गायों को दे देंगे उसका पीना। अच्छा वो भी काम आ जाएगा, उसमें जो कहीं का दाना निकलेगा, कहीं का दाना निकलेगा? दाना तो निकाल दिया है इसका, पहले से निकाल दिया। किसका दाना है वो, कहीं का दाना है? नाज है? नाज। नाज कौन सा नाज है? जिससे चावल बनते हैं अपने, उसी से बनता है चावल? अरे लेकिन चावल तो बाजार से लाते हैं दुकान पे से, हम तो घर के चावल है। ये यहाँ भी हो जाता है चावल या दुकान से लाते हैं? ये भी खेतों में उगाते। अच्छा जिस टाइम में उगते, जब के लिए उगते ना ये, हाँ, तब से पारी से लाते तब उग जाता भी नहीं। तो ये कब लगाया था ये चावल, आपने देखा था जब लगा रहे थे इसको? हाँ। कितने महीने हुए? हाँ, हो गए होंगे 4-5 महीने। पक्का उतने में हो जाता है? अच्छा अब खाने लायक हो गया ये? खाने लायक हो गया?
इसके दाने तो निकाल दिए उनको, फूट दिया। अच्छा, निकल गए इसके बाहर के बक्कल, अब उनको खाएंगे। अरे बहुत बढ़िया, आओ पीछे तुम्हारे साथ एक सेल्फी बनाते हैं। अच्छा ये तो दीक्षित रावत राज्य प्राथमिक विद्यालय वर्धा। अच्छा, क्लास थ्री। क्लास थ्री है आपकी। आपके स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं? नौ बच्चे हैं। सबके नाम याद हैं? बताओ जरा। ऋषभ, पूरव, अश्विन, काबिया और माई, बेबो, गुंजन उसका नाम। अच्छा, और आजाद और मैं। अच्छा, एक गुन्ने हैं। पूरे हो गए भाई नौ आप तो भाई। और आपके टीचर क्या नाम है उनका? किशन लाल भाई। ये भी स्कूल के बच्चे? आ जाओ भाई, सारे लोग आ जाओ, फिर इसमें दिखाई देते रहो, अपने अपने नाम बताते रहो फिर तुम लोग। मेरा नाम गुंजन है। अच्छा, इस क्लास कौन कौन सी? मेरी फोर है। अच्छा, आज क्या कर रहे हो तुम लोग छुट्टी के दिन, क्या कर रहे हो? काम। हाँ, कौन सा काम कर रहे? बताओ। अच्छा, ये भी आ गई, ये भी स्कूल की बच्ची है। हाँ। इसका क्या नाम है? काव्या। ये काव्या है, कौन सी क्लास की है? नमस्ते जी। ये कितने दिन का हो गया बच्चा? ये? हाँ, ये 10-15 दिन का। अच्छा, दूध पीता है अभी? हाँ। अच्छा, तो क्या है ये, बकरा बकरी? बकरा। बकरा हो गया। हाँ। चलो बहुत बढ़िया जी। आड़ी, आड़ी। अच्छा, तो अब ये इसको खिलाएंगे क्या, ये लेके जा रहे हैं इसको कहीं? हाँ भाई, बच्चों क्या करोगे तुम इस आज पूरे दिन? आज घूमते रहेंगे, क्या करेंगे? अच्छा, घूमेंगे कहाँ? तब अच्छा नहाएंगे भी। और इसके ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कहाँ से कैसे गिरी भाई? गिर जाते भाई, ये रास्ता तो हमारे बेकार। भाग भाग के जा रहे थे? अरे आराम से जाया करो हैं। अच्छा, इसका कुछ नाम रखोगे तुम? रख भी दिया गट्टू, तो तुम्हारे साथ खेल लेगा अब ये पूरे दिन। आज हमें राजकीय प्राथमिक विद्यालय बदाऊं के बच्चे मिल गए हैं हमारे। इन्होंने मुझे पहचान लिया और खुद भागे भागे आए, मुझे प्रणाम किया। बहुत अच्छे बच्चे हैं ये। और यहाँ बड़ी अच्छी एक बात है कि बच्चे चरण स्पर्श करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आज इनको मिल गया है ये गट्टू, है जी? गट्टू रख दिया नाम इसका। अब ये क्या करेगा गट्टू? हाँ, अपनी मम्मी को याद नहीं करता ये? ना। याद रहती है इसको, इसकी मम्मी कौन सी है? उसी के पास जाएगा भाग के। अच्छा, तो और क्या करोगे आज पूरे संडे का दिन है, आज का छुट्टी का, कहाँ क्या क्या करोगे? मेरे नाम को दोबारा देख रहा। दोबारा देख रखा? पहले कहाँ देखा था? पहले रास्ते में जिस दिन में, तब भी देखा था? और मैं तुम्हारे स्कूल में भी तो आया था एक बार, तब भी देखा था। आप तो मुझे मिलते थे खाने। अच्छा, तो ध्यान रखना अपना, चोट मत खाना में। चलो तुमको कुछ दिलवाता हूँ, आ जाओ। और कौन है तुम्हारे साथ, वो भाग गए? चलो तुम ले जाना उनके लिए। अच्छा चलो, कुछ तुमको मैं दिलवाता हूँ। ये हमारे बच्चे हैं भाई, आज हम इनकी जो है कन्या पूजन कर देते हैं। ये हमारी छोटी छोटी बालिकाएं मिली, तो नवरात्र भी चल रहे हैं। ये भी है, इसको भी। अच्छा, वो भाग गई देखो। कहाँ पे दुकान? ये तो बंद है ऊपर, कहाँ? बोलो खुलवाओ फिर। फिर तुमको कुछ दिलवा दूंगा मैं, क्या मिलता है इसमें? हाँ हाँ, क्या मिलता है बताओ? चलो जो देख लो क्या मिलता है इनको, क्या अच्छा लगता है। बिस्कुट खाओगे, टॉफी खाओगे? मुझे वो चाहिए। ले लो ले लो, बता दो अंकल को क्या चाहिए। बिस्किट दे दो भाई जी, एक बिस्किट दे दो इसको। तुम लोग क्या लोगे? मुझे टॉफी दो। गट्टू भी खाएगा? गट्टू नहीं खाता। ये नहीं खाता। ये दूध
अच्छा दूध पीता है, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। अच्छा हो गया सबका, छूटा तो नहीं कोई? जो छूटे उनको तुम दे दोगे? ठीक है ठीक है, ओके बाय, आराम से अपना पढ़ाई करना है। ठीक है भाई, ठीक है जी। देखो पहाड़ की हमारी मातृशक्ति अभी अपने पशुओं को लेके चल गई है चराने के लिए, छोड़ के आएंगी इनको, और घास भी इन्होंने खूब काट दिया होगा पशुओं के लिए, घास भी इकट्ठा करना दूर दूर से लाना। तो इस बार ये सारे खड़ आए क्या खूब? पीछे भी आया, हाँ भयंकर आए ना, रात को दिन में तो नहीं, नहीं सर रात को आए। हाँ खतरनाक है जी, देखो ये तो पूरा रास्ता बंद हो गया। हाँ ये जी हमेशा आते हैं क्या कभी कभी, या कितने साल में आए इस बार? सर ये तो लगातार हो रहा है, ये 4-5 साल से ज्यादा ही हो रहा है। और पीछे वाला? पीछे वाला भी हर साल आता है? नहीं हर साल नहीं आता सर, हाँ। पीछे पिछली बार एक ही आया था, हाँ। और हल्का आया था, इतना नहीं आया जितना हाँ। यहाँ रखा है, हाँ, हाँ, हाँ। और एक इससे आगे भी हल्का आया था, इतना नहीं, इस बार बहुत ज्यादा आ गए। खूब आए, हल्के हल्के आते थे, जो ये पीछे वाला आया ये पिछली बार आया सर। अच्छा बहुत कम आता था, पानी आता था उससे, हाँ, हाँ, पर कम आता है सर। अच्छा 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 अच्छा, ज़्यादा ही आ रखा है जी। तो मैन पावर कम होने से, यानी कि फैमिली जो लिमिटेड होने से, ये सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक दिखाई दे रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में, कि एक समय ये घर इनमें लोग रहा करते थे, और यहीं पे ये पूरी ज़मीन जो आज की डेट में दिख रही है बंजर, इसमें क्यारियाँ हुआ करती थी, खेती होती थी, लेकिन अब जो है चूँकि एक एक दो दो बच्चा है, और उसी पर ध्यान रहता है आदमी का कि अच्छी शिक्षा दो और नौकरी के लिए तैयार करो, तो अब ये जो खेती का काम है कहीं ना कहीं छूटता जा रहा है। हालांकि ज़मीन है सब कुछ है और, लेकिन मैन पावर नहीं है, तो काफ़ी बड़ा जो एरिया है वो लगभग खाली हो चुका है, और उसको कोई भी पलायन आयोग कोई भी वो वापस नहीं ला सकता, क्योंकि आकांक्षाएं लोगों की अब शहर से जुड़ चुकी हैं, तो आप गांव में उनको कितनी भी सुविधा दे दो वो नहीं रहेंगे, उनको शहर जाना ही है। तो इस बार की बारिश में काफ़ी भयंकर आए हैं ये खड, और सड़क भी ये पूरी डैमेज हुई है सालना गांव वाली, और काफ़ी नुकसान देखा जा सकता है। शाबाश शाबाश शाबाश, कहाँ तक जा रहे हैं भाई बच्चों? बनुगढ़। बनुगढ़
तो ये सामान ढोने के लिए क्या लेके गए थे? गोबर। कहाँ पे डाला? अभी डालेंगे ऊपर। खेत में। बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो कितने साल का हो गया ये? थोड़ा। हाँ, तीन साल का। तो तुम्हारा वजन ले लिया इसने, मुझे भी बैठा लेगा या गिरा देगा? दौड़ता है। अच्छा, तेज। अच्छा, तो इसकी वो नहीं लगा रखी लगाम? अभी नहीं है। लगाम कब लगाओगे? जब ये बड़ा हो जाएगा। अच्छा, तो अभी ऐसे कंट्रोल कैसे कर रहे हैं इसको? अगर ये भाग पड़ा खूब तेज फिर क्या करोगे? ये तो लगा रखा। कहाँ? ये आ गया मुंह में। लेकिन पकड़ने वाला भी तो हाथ में भी तो होता है ना भाई, हाथ में रखना पड़ता है ना ऐसे। हाँ, वो वाला अभी नहीं है, अभी तो छोटा ये। तो उसके बिना तो भाग लेगा ना ये? भागेगा। हाँ, इसके बिना ही तो भागेगा खूब तेज। बढ़िया। तुम भी पढ़ते हो? कौन सी क्लास? GIC। और अच्छा, जूनियर मोताड़ में। और तुम? अच्छा, ये खड़ भी जो है इस बार काफी आया, और ये पुलिया टूटी है सामना रोड की। तो इस साइड से, इस डायरेक्शन से जो है आने वाले सारे खड़ इस बार खूब आए, और कई जगह पे ये सड़क जो है सालना जाने वाली इसमें डैमेज हुआ है। अच्छा, ये है यहाँ इकट्ठा करा हुआ गोबर है। अब इसको कहाँ नीचे लेके जा रहे हैं? बगीचे में डलेगा ये सेब का। किधर है बगीचा? यहाँ। तो यहाँ से तो तुम बोल रहे लेके जा रहे हम कहीं? अच्छा, यहाँ से नीचे ले जाना है। और यहाँ तक कहाँ से लाए? यहाँ तक कहाँ से आया ये गोबर? यहीं का है? और लाया। खरीद के? अच्छा, कितने का मिलता है एक कट्टा? 100 रुपये का। 100 रुपये का। अच्छा, और अब बगीचा कहाँ? उसमें लगाओगे इसको? बहुत बढ़िया। तो तुमने पूरा काम सीख लिया बगीचे का? और क्या? आ जाता है? पूरा भी नहीं, थोड़ा थोड़ा आ जाता। तौलिया तौलिया बनाने। क्या क्या आ जाता है तुमको? तौलिया बनाने आते, सेब तोड़ने भी आते। अच्छा, और बस इतना ही। अच्छा लगता है काम वो? अच्छा, ये करना पड़ता काम तो। तो वही काम करोगे या नौकरी करोगे? पढ़ेंगे। नहीं, पढ़ेंगे तो ठीक है, पढ़ने के बाद नौकरी करेंगे। फिर नौकरी में अच्छा है या ये काम अच्छा? अच्छा तो दोनों ही है। तुम्हारी इच्छा किस में है? काम करने में, बगीचा बनाओ। बढ़िया है ना? अपने घर रहो, घर का दूध, घर का वो, खेती बाड़ी करो, खेती बाड़ी। पढ़ाई तो जरूर करनी चाहिए, पढ़ाई तो जरूरी है। इसे लगभग 8 किलोमीटर चल के पैदल मैं पहुंचा हूँ यहाँ बन्नूगाड़ नाम की जगह। और आज धान की कटाई चल रही है यहाँ, कुछ कुछ क्यारियाँ हैं, अभी मेहनत कर रहे हैं लोग, खेती कर रहे हैं, और आज धान की कटाई भी चल रही है। नमस्ते जी, ठीक हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप लोग। तो ये हमारी मातृशक्ति लगी हुई है जी, देखो धान की कटाई में, इन्हीं के सहारे पहाड़ चलता है। और ये भी बस आखिरी पीढ़ी है इन खेती करने वालों की। जैसे जैसे एक एक दो दो बच्चा आबादी घटती जा रही है, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं और बाहर की तरफ को जा रहे हैं, तो अब शायद अगले 5-10 साल में, 10 साल बाद, जब तक ये पीढ़ी है जब तक तो ये करेंगे मेहनत, इनका जुड़ाव रहेगा, पर शायद इनके बच्चे पढ़ लिख के शायद ये काम नहीं करेंगे। और आज जो ये खेत आबाद दिख रहे हैं, आज जो यहाँ इन घरों में बच्चों की किलकारियाँ और ये आवाज़ आ रही है, ये शायद नहीं आएंगी कुछ साल बाद। कल ही मैं किसी की रिपोर्ट पढ़ रहा था, करीब 7-7.5 हज़ार गाँव
उत्तराखंड के ऐसे हो गए जिनमें कोई नहीं रहता और जिनको घोस्ट विलेज उनको बोल दिया गया है। तो ये है मोरी का फॉरेस्ट चौकी, जहाँ से एक रोड चली गई जखोल सांकरी हरकिदून, ऊपर सामने पुरोला होते हुए उत्तरकाशी देहरादून, और पीछे जिस रोड पे हम आ रहे हैं ये जाएंगी क्यूनी, रोडू, विकासनगर इत्यादि भी जाया जा सकता है।